Hey plantaholics! Welcome back to my channel. Hope you are doing well. This video is all about my huge plant shopping haul. So, friends, I am super excited to show you all whatever I've purchased from my recent nursery visit, like these beautiful plants and uh, planters. तो फ्रेंड्स मैंने इनका कितना प्राइस पे किया और इन प्लांट्स के क्या नाम है ये सब मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी तो इसलिए प्लीज़ आप लोग एंड तक बने रहिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहला ये जो आप प्लांट देख रहे हो बहुत ही गोर्जस सा ये सेकुलेंट प्लांट है और इसका नाम है क्रेसुला कैम्पायर और फ्रेंड्स ये ऐसे पॉली बैग में लगा हुआ है तो ये मुझे फिफ्टी रुपीज़ ईच पड़ा ये आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये आ, सेकुलेंट प्लांट है और फ्रेंड्स इसके बाद ये मैंने जो सेकेंड प्लांट बाय किया है ये भी बहुत ही गॉर्जियस सा सेकुलेंट प्लांट है और इसका नाम है एओनियम अर्बोरियम और फ्रेंड्स ये ऐसे पॉली बैग में लगा हुआ है तो ये भी मुझे फिफ्टी रुपीज़ ईच पड़ा ये आप देख सकते हो तो मैंने दो सेकुलेंट प्लांट्स की शॉपिंग की बहुत ही हेल्दी से ये प्लांट्स लग रहे थे और फ्रेंड्स इसके बाद ये जो नेक्स्ट प्लांट आप देख रहे हैं बहुत ही क्यूट से इसके फ्लावर्स होते हैं और इसका नाम है अलाइसम और फ्रेंड्स आप इसका कलर देखिए कितना प्रिटी सा ये लग रहा है और फ्रेंड्स इसके मैंने तीन प्लांट्स बाय किए ये मैं आपको सेकंड भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा लाइट पर्पलिश इसका शेड है और ये ऐसे पॉली बैग में लगा हुआ है तो फ्रेंड्स ये मुझे ट्वेंटी रुपीज़ ईच पड़े ये देख सकते हो आप और इसके बाद ये जो नेक्स्ट प्लांट है इसका थोड़ा सा ब्लूम जो कलर है ब्लूम का वो थोड़ा सा डार्क पर्पल कह सकते हो या थोड़ा सा डार्क पिंकिश जो शेड है वो है और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने ये दो इमपेशन के प्लांट्स की भी शॉपिंग की है देखिए कितना ब्यूटीफुल सा इसका ब्लूम लग रहा है और इसका कलर है रेड बहुत ही अच्छा वेल स्टैब्लिश प्लांट था और ये ऐसे फोर इंचेस के पॉट में लगा हुआ है तो फ्रेंड्स ये मुझे फिफ्टी रुपीस ईच पड़ा और फ्रेंड्स इम्पेशन विंटर फ्लावरिंग प्लांट का बहुत ही अमेजिंग हैवी ब्लूमर है अगर आपको हैवी ब्लूमिंग प्लांट्स चाहिए कोई विंटर फ्लावरिंग रेंज में तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाइएगा और देख सकते हो आप कितना अच्छा खासा ये इस्टैब्लिश प्लांट है और ये भी ऐसे फोर इंचेस के पॉट में लगा हुआ है तो ये भी मुझे फिफ्टी रुपीस ईच पड़ा और फ्रेंड्स इसका जो कलर है थोड़ा सा डार्क पिंक कलर है इसका जो फ्लावर का आ, शेड है और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने ये कुछ क्रेजेंथमम की भी शॉपिंग की है और ये देख सकते हो आप कितना गॉर्जियस इसका फ्लावर लग रहा है और ये रेड कलर का इसका फ्लावर है ये देखिए आप बहुत ही ब्यूटीफुल से ये आ, प्लांट्स मुझे लग रहे थे और ये ऐसे पॉट में लगा हुआ है तो ये मुझे फ़िफ्टी रुपीस ईच पड़ा तो फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरा नर्सरी विजिट वाला वीडियो देखेंगे जो मैंने अभी रिसेंट डाला है तो उसमें आप देख सकते हो कितने गोजेस से उनके पास ये क्रेजेंथमम के प्लांट्स तो मैंने तभी बोला था कि मैं इनकी कुछ प्लांट्स की शॉपिंग ज़रूर करूंगी और ये दूसरा भी आप देख सकते हो बहुत ही गॉर्जियस गोर्जस इसका वाइट कलर का शेड है तो ये भी मुझे फ़िफ्टी रुपीज़ ईच पड़ा बहुत ही ब्यूटीफुल से ये मुझे फ्लावर्स लग रहे थे और फ्रेंड्स इसके बाद ये नेक शेड भी बहुत ही अडोरेबल सा इसका मुझे शेड लग रहा है बहुत ही क्यूट सा जैसे पिंक का और पर्पलिश जो शेड होता है बहुत ही प्यारा सा ये मुझे प्लांट लग रहा था और ये देख सकते हो आप ये भी ऐसे पॉट में लगा हुआ है तो फ्रेंड्स ये भी फिफ्टी रुपीज इंच पड़ा ये देख सकते हो आप और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने ये जो नेक्स्ट शेड लिया है ये भी बहुत ही प्यारा सा शेड लग रहा था और इसका फ्लावर का आप साइज़ देखें कितना बड़ा सा है और फ्रेंड्स ये थोड़े से बड़े से पॉट में लगा हुआ है वो भी मैं आपको पॉट का साइज़ भी दिखा दी तो इसलिए ये मुझे एट्टी रुपीज़ का पड़ा ये देखिए कितना बड़े से ये पॉट में लगा हुआ है काफ़ी स्टैब्लिश सा ये प्लांट था और कलर की बात करें तो कलर तो बहुत ही स्टनिंग सा मुझे इसका लग रहा था ये देख सकते हो आप और फ्रेंड्स इसके बाद ये जो नेक शेड लिया ये थोड़ा सा डार्क रेड कलर का है और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा था और ये ऐसे पॉट में लगा हुआ है तो ये मुझे फिफ्टी रुपीज ईच पड़ा तो फ्रेंड्स क्रेजेंथममम तो बहुत ही स्टनिंग से थे उनके पास तो मैंने इसलिए इतने क्रेजेंथमम की शॉपिंग की और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने ये कुछ गजेनिया की भी शॉपिंग की और फ्रेंड्स इसका आप फ्लावर देखिए कितना यूनिक सा ये कलर मैंने पहली बार बाय किया और ये ऐसे पॉली बैग में लगा हुआ है तो फ्रेंड्स ये मुझे ट्वेंटी रुपीस ईच पड़े और गजीनिया के फ्रेंड्स मैंने ये सिक्स प्लांट्स की शॉपिंग की है ये देख सकते हो आप नेक शेड भी कितना स्टनिंग सा लग रहा है और ये ऐसे पॉली बैग में लगा हुआ है तो ये सभी प्लांट्स मुझे ट्वेंटी रुपीस ईच पड़े और फ्रेंड नेक्स्ट शेड आप देखिए कितने ब्यूटीफुल से ये स्टेबलिज से प्लांट्स थे और काफ़ी ब्लूम्स बीन में निकल रही हैं ये देख सकते हो आप कितना प्यारा सा ये शेड लग रहा है और नेक्स्ट शेड जो मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा लाइट येलो शेड है और ये ऐसे पॉली बैग में लगा हुआ है ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा था और फ्रेंड ये वाला तो फ्ल जो था वो मैं जब लाई थी तब खिला था लेकिन अब इस समय ये थोड़ा सा अम, वो हो गया है बंद सी हो गई इसके जो लीव्स हैं इसके जो ब्लूम्स की और फ्रेंड्स ये देख सकते हो पेटल सॉरी और ये देख सकते हो आप ये जो नेक्स्ट शेड आप बहुत ही प्यारा सा ये थोड़ा सा डार्क येलो कलर है इसका और ये भी बहुत ही स्टनिंग सा इसका ब्लू मुझे लग रहा था तो ये सब मुझे ट्वेंटी रुपीज़ ईच पड़े और फ्रेंड्स के बाद मैंने कुछ वबीना के प्लांट्स की भी शॉपिंग की है ये आप देख सकते हो ये ऐसे पॉली बैग में लगा हुआ है बहुत ही गोर्जस सा ये ऑरेंज कलर का वबीना है और फ्रेंड वबीना के मैंने टोटल एट प्लांट्स की शॉपिंग की है और नेक्स्ट वाला ये वाइट कलर का है ये देख सकते हो आप ये पॉली बैग में लगा हुआ है तो ये सभी मुझे ट्वेंटी रुपीज़ ईच पड़े इसके बाद ये देखिए नेक शेड भी बहुत ही प्यारा सा है ये देख सकते हो आप और ये भी ऐसे पॉली बैग में लगा हुआ है और फ्रेंड्स वर्बीना बहुत ही स्टनिंग सा लगता है जब एक बार पूरा आपका जो पॉट है वो कवर अप कर लेता है ये प्लांट तो बहुत ही गॉर्जियस से इसके ब्लूम लगते हैं और फ्रेंड्स ये नेक्स्ट शेड भी ऑरेंज कलर का है फिर मैंने ये पिंक के दो शेड्स लिए हैं फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप और ये भी ऐसे पॉली बैग में लगा हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुल से ये प्लांट्स लग रहे थे ये देखिए काफ़ी हेल्दी से भी हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है ये देख सकते हो आप और इसके बाद मैंने ये रेड कलर का भी वबीना की ये दो प्लांट्स की शॉपिंग की मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ और ये भी ऐसे पॉली बैग में लगा हुआ है ये देखिए दूसरा भी ये रेड कलर का है ये देख सकते हो आप काफ़ी अच्छा खासा इस्टैब्लिश प्लांट्स हैं ये और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने ये कुछ लेटस की भी शॉपिंग की है और इसके मैंने ऐसे ये चार प्लांट्स की शॉपिंग की और दो रेड हैं और दो ग्रीन हैं और फ्रेंड ये देख सकते हो आप ये ऐसे पॉली बैग में लगा हुआ है तो सेलड्स में इनका काफ़ी यूज़ होता है और फ्रेंड्स ये देखिए दूसरा भी काफ़ी अच्छा सा स्टैब्लिश ये लेटस का प्लांट है ये देखिए ये फ्रेंड्स मुझे ट्वेंटी रुपीज़ ईच पड़े और इसके बाद मैंने ऐसे ये ग्रीन फोलीज के दो आ, ये लेटस के आ, प्लांट्स बाय किए ये देखिए काफ़ी हेल्दी से ये प्लांट्स थे ये देख सकते हो आप दूसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ ग्रीन कलर का ये देखिए कितने हेल्दी से ये प्लांट्स हैं और ये ऐसे पॉली बैग में लगे हुए हैं और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने ये टमाटर के तीन प्लांट्स की शॉपिंग की है ये देख सकते हो आप और काफ़ी भारी से फ्रेंड्स ये पॉली बैग में लगे हुए हैं तो ये मुझे फिफ्टीन रुपीज़ ईच पड़े ये देखिए दूसरा भी काफ़ी हेल्दी सा है और ये भी पॉली बैग्स में लगे हुए हैं ये देखिए फ्रेंड्स ये तीसरा भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से इनमें ग्रोथ हो रही है और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने ये दो प्लांट्स मिर्ची के बाय किए हैं और फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है इवन इनमें में मिर्चियाँ भी लगी हुई हैं ये देखिए तो फ्रेंड्स ये मुझे एटीन रुपीज़ ईच पड़ी ये देखिए इसके प्लांट्स काफ़ी हेल्दी से और इनमें फ्लावर्स भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं और मिर्ची आप देखिए कितनी बड़ी सी ये लगी है देख सकते हो आप तो काफ़ी हेल्दी से ये प्लांट्स थे तो मैंने इनकी भी शॉपिंग कर ली फ्रेंड्स और ये देखिए ऐसे पॉली बैग में लगे हुए हैं ये देख सकते हो आप और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने आ, ये आप पहले मिर्ची देख लीजिए इसके बाद मैंने ये कुछ पेंजी की भी शॉपिंग की है बहुत ही स्टनिंग से इसके मुझे ब्लूम्स लगते हैं और फ्रेंड्स ये मुझे ट्वेंटी फाइव रुपीज़ ईच पड़े देखिए कितने गॉर्जियस से इसके ब्लूम्स लग रहे हैं ये देखिए दूसरा शेड भी बहुत ही ब्यूटिफुल सा है और फ्रेंड्स ये ऐसे पॉली बैग में लगे हुए हैं तो इसके फ्रेंड्स मैंने तीन प्लांट्स की शॉपिंग की है तीसरा आप देखिए कितना ब्यूटिफुल सा है ये और ये भी ऐसे पॉली बैग में लगा हुआ है ये देख सकते हो आप और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने ये एक डॉग फ्लावर प्लांट की भी शॉपिंग की है जो कि मुझे ट्वेंटी रुपीज़ का पड़ा और ये काफ़ी बड़े से पॉलीबैग में लगा हुआ है फ्रेंड्स देखिए बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर के इसके फ्लावर्स हैं और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने फ्लॉक्स ट्विंकल स्टार के ये दो प्लांट्स की शॉपिंग की है बहुत ही ब्यूटीफुल से इसमें ये पर्पल कलर का एक ये फ्लावर आप देख रहे हो और एक ये रेड कलर का फ्लावर वाला प्लांट की मैंने शॉपिंग की है जो कि मुझे ट्वेंटी रुपीज ईच ये दोनों प्लांट्स पड़े बहुत ही ब्यूटीफुल से ये मुझे लग रहे थे और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने ये कुछ स्टॉक्स की भी शॉपिंग की और ये डबल पेटल वाला स्टॉक प्लांट है ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स और ये भी मुझे ट्वेंटी रुपीस ईच पड़ा और ये है सिंगल पेटल वाला ये देखिए काफ़ी हेल्दी सा ये प्लांट है और ये ऐसे पॉली बैग में लगा हुआ है ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स तो ये भी मुझे ट्वेंटी रुपीस ईच पड़ा और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने ये कुछ पॉट्स की भी शॉपिंग की है क्योंकि इतने सारे ये जो प्लांट्स लिए इनको लगाने के लिए पॉट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहला आप ये जो पॉट देख रहे हो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्हाइट कलर का ये मैंने पॉट्स की पॉट की शॉपिंग की और ये मुझे फिफ्टी रुपीज़ का पड़ा और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने ऐसे ये जो प्लास्टिक के पॉट देख रहे हो इसके मैंने थर्टीन पॉट्स की शॉपिंग की है ये देखिए मैं आपको उठा के भी दिखा देती हूँ काफ़ी स्टर्डी इसकी क्वालिटी थी और ये मुझे थर्टी रुपीज़ ईच पड़ा और अगर मैं इसकी साइज की बात करूँ तो ये टेन इंचज़ के पॉट हैं ये देख सकते हो आप काफ़ी अच्छे से ये पॉट्स हैं और काफ़ी स्टर्डी और ड्यूरेबल भी होंगे ये देखिए और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने ये एक नीम ऑयल Uh, की बॉटल um, भी बाय की क्योंकि नीम ऑयल तो ज़रूरी होता है प्लांट्स में डालना तो फ्रेंड्स ये मुझे नाइन्टी रुपीज़ की पड़ी ये आप देख सकते हो और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने बहुत ही अडोरेबल सा एक पॉट की शॉपिंग की और फ्रेंड्स अगर मैं इसकी जो ये मेटल का उन्होंने बताया कि बना हुआ है और बहुत ही क्यूट सा मुझे लग रहा था इन्होंने स्टैंड पे अपने रखा हुआ था और नीचे इन्होंने स्टैंड भी ये दिया हुआ है तो ये देख सकते हो आप इस पर इसको ऐसे रखना है तो मैंने ये सेकुलेंट के लिए बाय किया है और फ्रेंड्स इसके अंदर भी मैं आपको दिखा देती हूँ पहले आप ये स्टैंड देख लो इसके अंदर इन्होंने एक और पॉट दिया है जो कि प्लास्टिक का है बाहर वाला जो आप पॉट देख रहे हो वो मेटल का इन्होंने बताया ये प्लास्टिक का पॉट है जिसमें मैं अपने सेकुलेंट्स को लगाऊंगी तो फ्रेंड्स ये जो आप पॉट पूरा देख रहे हो ये मुझे थ्री हंड्रेड रुपीज़ का पड़ा ये देख सकते हो आप कितना ब्यूटीफुल सा ये पॉट देखने में लग रहा है और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने ये नेक्स्ट दो पॉट्स की शॉपिंग की है पहले आप इसकी क्वालिटी अगर मैं आपको ऐसे मैं आपको दिखा रही बहुत ही स्टर्डी ये आ, मुझे पॉट्स लग रहे थे और ये हंड्रेड एंड फिफ्टी इंच पड़ा और फ्रेंड ऐसे मैंने दो पॉट्स की शॉपिंग की है मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ और अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो ये फोर्टीन इंचज के हैं तो इसके मैंने दो पॉट्स पौ, की शॉपिंग की तो ये थ्री हंड्रेड में मुझे दो पड़े तो फ्रेंड्स ये मेरा पूरा प्लान शॉपिंग हॉल था तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये प्लांट शॉपिंग हॉल कैसा लगा या आपको मेरे ये जो मैंने पॉट्स की शॉपिंग की वो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आप अभी जुड़े हैं मेरे इस चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए Hope you like the video. Thank you so much.